नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज आरओ को असेंबल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम मोटर को बॉडी पे एक केबल टाइप की सहायता से अटैच कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें सेंडिमेंट फिल्टर को फिट करेंगे। सेंडिमेंट फिल्टर के ऊपर वाटर फ्लो के आरओ को देखते हुए इसकी फिटिंग करेंगे। आरओ की इनलेट पाइप को हम सेंडिमेंट फिल्टर के इनपुट के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद हम इसमें प्री कार्बन फिल्टर को फिट करेंगे और हमें एरो के निशान को देखते हुए इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। इसके बाद हम सेंडिमेंट फिल्टर के आउटपुट को प्री कार्बन फिल्टर के इनपुट के साथ जोड़ देंगे। ध्यान रहे पाइप के ज्वाइंट पाइप को अच्छी तरह से इसमें फिट कर दें, जो कि बाद में लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। इसमें एसपी वाल्व को लगाएंगे। ध्यान रहे कि इसका भी हम वाटर फ्लो एरो को देखते हुए इसकी फिटिंग करेंगे। और इसे एक स्क्रू की सहायता से इसे बॉडी में टाइट कर लेंगे। और इसके बाद हम कार्बन फिल्टर के आउटपुट को एसपी वाल्व के इनपुट में लगाएंगे। और अब इसके बाद हम एसपी वाल्व के आउटपुट को मोटर के इनपुट के साथ जोड़ देंगे। और इसके बाद अब मेम्ब्रेन हाउसिंग को लगाने के लिए हम इसमें क्लंप लगाएंगे। मेम्ब्रेन हाउसिंग में मेम्ब्रेन को हम डबल साइड रिंग वाली साइड को नीचे की तरफ लगाएंगे और पुश कर देंगे। मेम्ब्रेन के नीचे दिखाए गए एल्बो में से जो ऊपर वाला एल्बो है वो हमारे टैंक में लगेगा और जो नीचे वाला एल्बो है वो वेस्टिंग की पाइप लगेगी। मेम्ब्रेन हाउसिंग के ढक्कन को चाबी की सहायता से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे और इसे फिट कर देंगे। और इसके बाद हम मोटर के आउटपुट को मेम्ब्रेन हाउसिंग के इनपुट में लगाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा या बुरा लगता है तो कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में एक अच्छी क्वालिटी के साथ आपको वीडियो दे सके। इसके बाद हम पाइप को मेम्ब्रेन हाउसिंग के टॉप वाली साइड में लगाएंगे। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कि ऊपर वाले एल्बो के अंदर हमें पाइप लगाना है। और इसके बाद हम इसमें पोस्ट कार्बन फिल्टर लगाएंगे और पाइप को पोस्ट कार्बन फिल्टर के इनपुट में लगा देंगे। और ध्यान रहे पाइप को हमें वाटर एरो को देखते हुए लगाना है। और अब हम पोस्ट कार्बन फिल्टर के आउटपुट से पाइप लगाकर टैंक के इनपुट में दे देंगे। और इसके बाद हम इसमें फ्लोट वाल्व को लगाएंगे। और इसके बाद हम इसमें वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसमें SMPS सप्लाई को लगाएंगे। और फ्लोट वाल्व के NC स्विच के अंदर पावर सप्लाई को हम सीरीज के अंदर उसके कनेक्शन करेंगे। और उसके बाद हम SP वाल्व और मोटर के वायरों को आपस में जोड़ेंगे और सप्लाई के व्हाइट धारी वाली तार के साथ हम मोटर की रेड और
एसपी बल्ब की रेड वायर को जोड़ देंगे और बची दूसरी तारों को दूसरी वायर के साथ जोड़ देंगे और इन दोनों जोड़ों पर अच्छी तरह से टेप कर देंगे। और इसके बाद इसमें हम FR लगाएंगे, FR नंबर 450, FR के फ्लो एरो को देखते हुए हम इसमें पाइप लगाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी अच्छा या बुरा लगता है तो आप हमें कमेंट करें, जिससे कि हम आगे आने वाली वीडियो में आपको एक अच्छी क्वालिटी के अंदर वीडियो दे सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर।